एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने इस देश की राजनीति को एक नई दिशा दी और जिन्होंने राजनीति के अंदर संस्कारों को पैदा किया, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनकी आज प्रथम पुण्यतिथि थी। प्रथम पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रभक्तों के द्वारा आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके जीवन के जो प्रसंग थे उन्होंने किस प्रकार से बड़े हृदय लेकर और सब चीजों से ऊपर उठकर केवल राष्ट्र के लिए, देश की तरक्की के लिए जो काम किए, जो उदाहरण प्रस्तुत किए, वो आदर्श, उन आदर्शों की, उन प्रसंगों की आज चर्चा हुई है और अटल बिहारी वाजपेयी को आज पूरा देश नमन कर रहा है, तो हम रुड़की वासियों ने भी आज उनको श्रद्धापूर्वक नमन किया है। भारतीय राजनीति में देश की आजादी के बाद से राष्ट्रवादी सोच की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुई, या यूं कहें भारतीय जनसंघ से शुरू हुई, जिसको डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रारंभ किया, अटल जी ने उसी मशाल को लेकर आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी को और राष्ट्र की उस विचारधारा को उस मुकाम तक पहुंचा दिया कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता स्थापित हुई। और अटल जी सिर्फ एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक लोगों के हृदयों में शासन करने वाले एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने सारी दुनिया में भारतीयता की और हिंदुत्व की छाप छोड़ी। आज अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, आज अगर देश में भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी राज्यों में और केंद्र में सत्ता में है, तो उसके पीछे अटल जी की राजनीति, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली और उनकी नेतृत्व की क्षमता और संगठन कौशल बहुत जिम्मेदार हैं। आज जब अटल जी के पुण्यतिथि का पहली ये अवसर है, पहला वर्ष पूरा हुआ है उनके निधन को, तो पूरा देश आज उनको पुष्प समर्पित कर रहा है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और उसी निमित्त आज रुड़की पश्चिमी के मंडल द्वारा यहां पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी लोगों ने श्रद्धे अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि की और अपने अपने विचार रखे और हमने ये निश्चय किया कि अटल जी के विचारों से, उनकी नेतृत्व क्षमता से हम लोग प्रेरणा लेकर सिर्फ देश के लिए काम करना है, ऐसे विचार के साथ आगे बढ़ते रहेंगे।